ब्लू टू ब्लूज गुड मॉर्निंग कर दो, गुड मॉर्निंग, और ऐसे कर दो वेलकम बैक टू हजार पॉपी पावर्स। पॉपी पावर्स कैसे लाइन से बैठे हुए दो दो, ये देखो डिस्टेंस देख रहे हो। लीजा को आप पता है कि मेरे को स्नो के एरिया में नहीं जाना है, एंड स्नो को तो बांध के रखना पड़ता है क्योंकि हमारे घर में ना सिर्फ एक ही डॉग ऐसा है जिसको हम सेफली हर एक डॉग के पास छोड़ सकते हैं खुला, वो है लीजा। बाकी सबको चेंज करना पड़ता है, बच्चे स्नो के पास फुदक के पहुंच जाएंगे, बच्चे मैसी के पास फुदक के पहुंच जाएंगे, लीजा लेकिन अपनी यू नो लिमिटेड है। और आशु मेरा गया हुआ है, आशु आशु हनी, देखो आशु आशु बोला तो सुना नहीं मैंने, ऐसे प्यार से बोला हनी तो कैसे फटाफट सुना है इसने, आ जाओ लो लोग वेट कर रहे हैं तेरा। हनी वो व्हाइट्स वाले बूट जो है ना वो मेरे को मेरे साइज में मिल गया, वो मैं ला लिया। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पप्पी पावर्स। जस्ट अभी जिम से मैं घर आया हुआ हूँ, ये मेरे को सोता हुआ मिला। लीजा है ना वहाँ सो रही है, वहाँ मतलब कुछ क्या दिखाया, लीजा कैसे सो रही थी दिखाया, और मैं सो नहीं रही थी, मैं लेटी हुई हूँ तेरा वेट कर रही हूँ यहाँ बीच में इसको वो करने। मैं तो जिम से वर्कआउट करके आया, वजह से नहाने जाने वाला था, और मुझे क्या करना था, मैंने प्रोटीन वोटीन सारा का सारा पिया। क्या कर रहा है बुम, ये देखो पता है आशु तूने मैं बाहर नहीं। आज सुबह सुबह ना इसका शूट वूट था, ही जाने वाली थी लेकिन हमारी एक ढपोल संग फोन नहीं उठा रही है। वो भी बताना, बाकी बताऊं गाइस, कल रात को मैंने ना ये सो रहा था तो मेरे पास चेतना और मेरी फ्रेंड का फोन आया था, तो मैं उससे बात करके एक बजे सोई हूं टेंशन में कि मेरे को सुबह शूट, सुबह शूट पे जाना है। मैंने कहा फिर मैं सोचा कि मैंने सुबह 7 बजे के आसपास मैं जिम जाऊंगा क्योंकि मैं घर के आसपास वाला जाऊंगा, तो मैंने कहा पक्का इसे उठा तो दूंगा और मैं टाइम पे आके गाड़ी दे दूंगा, सो सुधरी शूट पे चली जाए, लेकिन बॉस शूट पे जाना तो पॉसिबल ही नहीं। और मेरी नींद भी खराब हुई भयंकर, मतलब मेरे को अभी ऐसा नींद आ रही इतनी जोर की, वेरी बैड। मैं ना यहाँ थोड़ी क्लीनिंग कर रही हूँ, ये क्रॉकरी के ऊपर वाली शेल्फ की ना वहाँ की मैंने थोड़ी क्लीनिंग करी है। अब आप इन दोनों को देखो, ये दोनों कैसे क्यूटी पाई की तरह बैठे हुए हैं। पानी पीने को दिया था नीचे की सरफेस गर्म होती है, नहीं इतनी गर्म, लेकिन इसको एक्स्ट्रा ठंड चाहिए, कूलर के सामने नहीं बैठेगा, यहाँ बैठूंगा गीला फैला ऐसे काले गोदू हो जा, उल्टा हो जा, हो जा हो जा। माँ बेटी नीला नीला कौन, बाप एक ही से घूम रही है, वो तो सबको पता नहीं, तूने चढ़ाया इनको, मैंने नहीं चढ़ाया, कुछ चढ़ाई यहाँ से, ये रही उतरी मोटी, उसको बैठना है यहीं पे, उसको नहीं उतरना यार, ऐसे ऊपर क्यों ले आए सबको, आंखें कौन छाप कर लेगा गुंडा बच्चा। The next morning. Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, Puppy Powers. मैं भी सुबह सुबह उठा हूँ, ये अपने शूट के लिए सारी तैयारियाँ कर रही है, ब्रशेस को तैयार कर रही है क्योंकि इसका शूट है आज। बहुत तेज आवाज़ आ रही है। इस ये नहीं पता मेरे को कितनी आवाज़ आ रही है, ड्रायर की नहीं आ रही है। इससे मेरे को अभी बोला कि है ना इसको अभी निकलना है आधे घंटे के अंदर, मतलब 15-20 मिनट के अंदर, इट्स 9:40 राइट नाउ है ना, तो उसे 15-20 मिनट के अंदर निकलना है, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं साथ में जा रहा हूँ तो इसने मुझे ना डेडलाइन दी कि 10:30 बजे तक अगर तू तैयार मेरे को यहाँ पर मिल जाता है तो आई कम अलॉन्ग, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर खड़ा होना है 10:30 बजे पहले तैयार होके और हम यहाँ से निकल जाएंगे। सो लेट्स सी, आई गॉट 45 मिनट्स। क्या कहता है उसको, बेटर बी रेडी, बेटर बी क्विक अबाउट इट, जो भी। आशु ने बोला था कि वो 10:30 बजे जो मैंने डेडलाइन दी है उस टाइम पे वो रेडी हो जाएगा, ठीक है 10:30 होने वाले हैं, बताओ कितने बज रहे हैं। इट्स 10:26 और अभी तक वो अपने स्पॉट पे नहीं आया है जहाँ पे उसको आना था, सो ही इज ऑलमोस्ट लेट 4 मिनट और मैं देख लेती 4 मिनट में कितनी देर में आ जाएगा वो। अगर 4 मिनट में वो यहाँ आ गया तो मैं मान गई, हम यहाँ से निकल लिए तो मैं मान गई, अदरवाइज कोई सेट नहीं है गाइस। I'm all set. What's time right now? 2 मिनट। मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ 4 मिनट पहले। टोटली रेडी, नीचे से ऊपर ब्लू, पता नहीं कैसे कोइंसिडेंट है, ऐसे मेरे को अच्छा लगता है कलर। सो लेट्स गो, इसकी वैरायटी लेके चल रहे हैं, चलो 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 चलो, आवाज़ ऐसी नहीं आ रही कैमरा पे। सो हम
लोग घर से निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट राजा पार्क पहुँचने वाले हैं, जहाँ से मुझे मेरे आउटफिट लेना है, ज्वेलरी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई थी जिस मॉडल पे मैं शूट कर रही थी उसके एग्जाम आ गए थे, तो मेरे को मॉडल चेंज करनी पड़ी, उसके लिए मेरे को गारमेंट चेंज करना पड़ा, तो उसके लिए मेरे को ज्वेलरी अब देखनी पड़ी थी, वरना मेरा उस गारमेंट पे प्लान ही नहीं था करने का। सबसे पहले हम जा रहे राजा पार्क, जो कि हमारे घर के बिल्कुल अपोजिट साइड पड़ता है, और जो लोग जो हमारी होटल है वो एंड वो फिर वापस वो होटल जो है वो हमारे घर के पास में, मतलब पहले तो उधर जाएंगे फिर पूरा का पूरा रास्ता वापस इस साइड पाएंगे मानसरोवर। तो अभी थोड़ा सा हेक्टिक होगा बट ठीक है, वी हैव टाइम, अभी 10:58 हुआ है तो हमारे पास टाइम तो है बस, लेकिन ऑफिस तू 10 मिनट लेट नहीं था, ड्राइव करके कंपनसेट कर रहा हूं सारी चीजें, वो तो खैर कोशिश करेंगे अपन, तो ऑलमोस्ट लोग पहुंच जाएंगे जब तक शायद मैं हम लोग पहुंचेंगे, बट कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि मेरी एक ही मॉडल है, पूरा शाम पूरा दिन पड़ा है, फिर उसके बाद तो आराम से शूट वूट सब हो जाएगा। सो वी हैव जस्ट रीच्ड द फर्स्ट प्लेस, दैट्स डीवा, यहाँ पे ड्रेसेस रेंट पे मिलते हैं जो कि आउटफिट्स होते हैं शूट के, वर्षा अभी अंदर जा रही है वो लेकर आएगी, I'm sitting in the car, I won't go inside just because मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, so I'll sit back and relax. मेरा भारी सा बच्चा देखना, मतलब भारी सा बच्चा नहीं, भारी सी चीजें लेकर, डिग्गी खुलवा रही है, डिग्गे में क्या रख रहा है तू मोटू, अभी तो और भी आएगा, क्या आएगा, बैग, तेरे को मेरी हेल्प चाहिए या तू बॉडी बिल्डर है, वो आने के लिए चाहिएगी, इसीलिए तो बॉडी बनाई है, सॉरी जाता हूँ भैया हेल्प करता हूँ, ले लिया सामान वो वाले के लिए चाहिए, ले आ नहीं आ रहा, चलो ये ले लो, ले लो इधर से रखना, उधर वैनिटी रखी है, ज्वेलरी रखी इसमें, नहीं मैं भी ले लेती, इधर से रखना, रख दिया, ज्वेलरी लेके आ रही, नहीं एक बार उधर भी चलना पड़ेगा, बस एक मिनट और, थैंक यू, तू पकड़ लेना मेरे हाथ में कैमरा, इसलिए दे दूं तेरे को, गाइस भारी भारी कपड़े वपड़े सब, भारी तो नहीं थे वो दीदी, और उनको देख के लगा उनको भारी, उनके उनके लिए भारी होंगे, मतलब सामान रख लिया, आउटफिट हो गए, अब जाना है दोबारा वेलवेट बॉक्स, सो अब हम आए इस जगह पे, दिस प्लेस इज नेम इज वेलवेट बॉक्स, आई गेस वो अंदर गई भी है, वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी इसको, इसके डिज़ाइन जो ऑर्नामेंट्स हैं वो, सो यूजुअली फॉर शूट्स ना पीपल बाय स्टफ फॉर रेंट, ट्रस्ट मी एक नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ, यूजुअली है ना अगर आप कभी कोई चीज़ प्लान करने वाले हो तो प्री प्लान रहना सारी चीज़ें, एक रात पहले कर लेना उस, कभी भी एंड टाइम में मत करना, बस एंड टाइम पे करते हो, रश में रहते हो, बहुत सारी चीज़ें भूलते हो, ये हरदम का हो गया। अब जिस जगह पर हम ज्वेलरी लेने आए हैं तो ये शॉप कल नहीं आ पाए थे, खुली नहीं थी, और आज भी लेट खुली, तो हम किसी और जगह से ज्वेलरी हमने खरीद तो ली, अब इश्यू पता क्या आ रहा है, जिस जगह से अभी ज्वेलरी ली थी दूसरी वाली जगह से, उस जगह पे वापस जाना है जस्ट बिकॉज उस दीदी ने एक ज्वेलरी बॉक्स इसको नहीं दिया, अब वो रश के अंदर यहाँ से वहाँ जाओ फिर वहाँ से वापस यहाँ आओ, वी आर एक्चुअली लेट फॉर द शूट ऑलरेडी, इनको चीजें तो आप कैसे दे देना, बोल दिया मैंने उसको, बोल रहा है कि दे दो यार दीदी अभी ऐसे वॉलेट करा ले यार उसको, वॉलेट का नंबर दे दिया, उसमें वॉलेट का ऑप्शन नहीं आ रहा, इनके पास वॉलेट नंबर ही नहीं, किसी और के पास वॉलेट का बुला ले, मैं बात कर लेता, मैं जब मेरे बात का असर पड़ता है, अच्छा हेलो ये कब आ गई, ये पिक क्यों आया, मुझे पता था मैं सीन बना रही थी इनके सामने, सबसे पहले स्वीट पिक पहुंच गया यहां पे, पिंक कलर का, हां पिंक कलर का, कोई पिंक पिंक कलर का नहीं है, वो ऑडियंस बता देगी किसी, क्या कर रहे हो तुम लोग, सामान ज्वेलरी चेक कर रहे हैं, मैं ज्वेलरी प्रॉपर है या नहीं है, हर्ष से क्या है ना, ओके सूरज के पास है, इसका रिंग लाइट नहीं भूलने का मीटर के देखा, नहीं मैं भूल गई, सूरज से मंगा लो, सूरज के पास रिंग लाइट उसके पास है, नहीं ऐसा तो मैं कर लूंगी थोड़ी बहुत रोशनी में, क्योंकि हर जगह रिंग लाइट लगा के शूट करोगे तुम लोग, हर जगह रिंग लाइट लगा लगा के शूट करोगे, नहीं लेकिन रिंग लाइट से लाइट पड़ती है ना तो मेकअप दिखता है, और पिगी ए दैट चुक्कू दैट सुहानी सब लोग जानते हैं, दैट्स दीपक एंड नाम खुशबू, और ये मेरी बीवी एंड दैट्स बी सो स्वीट, मैं भी तो हूं, पिगी बोल तो दिया था मैंने प्यारा सा, मेरा नाम करीना है, उसमें दो टाइम कुछ द मेकअप आर्टिस्ट हैज स्टार्टेड ऑन द मॉडल, और एपिसोड में हर्ष आ रहा है, फिर अपन उधर वाले कमरे में चलेंगे, घूम कर आएंगे, गेड़ी मार कर आएंगे, उधर देख कर आएंगे क्या चल रहा है,
ये तो बता दो क्या करने वाले। अभी मेरे खुद ही नहीं पता क्या करने वाले। तो खुद ही नहीं पता तो करने क्या वाला है? मैं कर दूं? मैं तो नहीं करूंगा, मैं करूंगा लफड़ा। पता नहीं किसको प्रपोज करना है या फ्लावर्स वावर्स लेके गया आदमी। भाई साहब क्या चल रहा है ये? ये मैं आपके लिए लाया हूं। हैं? मेरे लिए तो नहीं लेकर आया। जब पकड़े जाओ ना तो बता दो कि भैया मैं आपके लिए लाया हूं। ओह, ये कौन सा वाला किसके लिए है? ये भैया सारे आपके लिए हैं। देख मेरे को इन वाइट वालों को तो पता है ये दो किसके लिए लाया तू आगे। आप और मैं लड़के ढूंढते हैं बाहर चल के। ले बस उधर चलता है। ये लो। अच्छा अंदर आ जाओ। हनी ये एक शर्ट शर्ट का टक्के उसकी। हनी मई तरफ से कैसे रोज है? रोज तो ऐसे ही होता है। करने का तुम लोगों को काम ही चलाना पड़ेगा। ऐसे कितने रुपए के दिए ना तेरे को? ये ऐसे मुरझाएगा रोज 20 ओनली ऐसे रोज बिखरे हुए। यही दिए कोई नहीं चल अभी काम टूटा होगा। हाँ दोस्तों सारी भसड़ निकाल दी हर्ष को। हर्ष को बोल के अभी दो मुंडे आ रहे हैं वापस। वो कहाँ है? पिग हेड्स आर पिग। ओह माय गॉड तू तैयार होकर तुम नहीं लगता। अब वाली थोड़ी चीज आ रही है वो कि ये वो व्हाइट पिग वाली बात है ना वैसी लग रही है। रोज ही वापस जाता हूँ दुकानदार को। हाँ तो वहाँ पे हम दोनों का तो कोई काम था नहीं। हाँ तो हम बाहर आ गए अपने दूसरे काम की तरफ। अच्छा नहीं ये काम बेटर है मेरे को पता है। अच्छा लगता है ये वाला काम। मन करता है चुरा चुरा के और ले लोगों के। तो किसी भी काम से मुझे ये वाला तो बेटर लगा। तीन बार तो हमें दुनिया के पार्सल दे दिए इन लोगों ने कि ये ले आओ वो ले आओ। और अब हम वहाँ जा रहे हैं। अब वहाँ जाके करेंगे शॉर्ट्स रील्स ऐसा हमने सोचा है। बाकी अगर काम रहा तो फिर एक और बार कुछ खाने चले जाएंगे। हाँ, और क्या क्या कहते हो? पैसे वसूल लेती हूँ। क्या कह रहा है तू? पहले तो ये बता मेरे को ये रेंट पे है। तू रेंट पे चीजें ला ला के यूज भी नहीं कर रहा? नहीं कंफ्यूजन ताकि वो अच्छा लगेगा कि ये यार ये और मैं क्लब ही चले जाते उससे बढ़िया तो। और हजार रुपए का दीदी इसको बोलना चाहिए करो कॉल है मेरे को बना दो। मैं पहन के रोड पे चला जाता हूं कोई दिक्कत नहीं। हजार रुपए पूरे वसूल लूंगा। हां मैं भी चला जाऊंगा साथ के अंदर। अभी तो कैब वैब सब मंगा ले तू। हाँ अभी तो दिल्ली से आ जाएगी तेरे लिए कैब शाम को। फिर तुझे यहाँ जैसे ही मेकअप उतरा बीच रोड पे छोड़ देगी। एसी चला लेना नहीं तो ये मेकअप पिघला वो उतार देगा। ऊपर ये नहीं कर रहा क्यूट लग रहा है। अभी तो ये रोज रोज क्या कर रहा है? क्या करेगा इसके साथ तू? इसको दूंगा फिर मैं। हैं सुनो अरे इधर रुक जाओ। फोटो बाद में खींच लेना। आईफोन चोरी क्या मेरे लिए रोज लेकर आया है? नहीं 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 ये किसी सुंदर लड़की को दे देना तुम्हें मिल जाए तो बोल देना। बोल देना अरे मेरे को लगा प्रपोज करने वाला यार। नहीं 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 भैया मेरे को लगा मेरे लिए मेरे को लगा प्रपोज प्रपोज कर रहा है। कितनी खुश हो गई राजी स्माइल डबल हो गई थी। मेकअप अच्छा लग रहा था। तेरी तो भी सुंदर दोस्तों से सिर्फ दे देना। अरे जाके तो ले। सही है सही है यार। मैं तो अच्छा दिल से बच रहा था आज यार। अब तो कितना गंदा है ये। इतने तो अच्छा हो जाता मेरा क्या होता। वाइट वाला दे दे। हां ये बात सही है यार। मेरे लिए बुरे दिन आएंगे आएंगे अच्छे दिन आएंगे। गाइस मैं बुरी हूं क्या? मैं कमेंट सब हाल लिख देंगे सब हाल कमेंट पर गड्ढा। सच्चाई बतानी नहीं है यहां पे। वो जो भैया अपने सब्सक्राइबर है 45,000 और कमेंट आ रहे 1,00,000। बुरी है बुरी है। शॉर्ट के लिए था ये मैं पहले बता रहा हूं। नहीं ये मैंने देने आया था सिर्फ यहाँ पे शूट चल रहा है और शॉट टच और सारी चीजें दे रही है यहाँ पे। मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ स्पीकर में डिस्टर्ब नहीं करना था किसी को। ये तू ऊपर जा रही पिग। ओए कोई तो एक खुद तुम में से कोई मत बुलाना प्लीज इसको ला यार। ऐसे मत बोलना बुरा लगेगा ऐसे। आपको मेरे चेहरे से बिल्कुल दिख रहा होगा ना कि कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं इतनी देर से। और ये आदमी से घूम रहा है यहाँ पे रीले बना रहा है शॉर्ट्स बना रहा है बिल्कुल बदतमीजों की तरह। ये फालतू फालतू मैं पूरे ब्लॉग मेरे को पूरे ब्लॉग कोई रीले वीले नहीं बनाई मेरे को पूरे ब्लॉग में नहीं लिया इसने। इसने ब्लॉग का कैमरा भी देखो गलत सेट कर रहा है। मैंने नहीं कर रखा किसी ने कर रखा ठीक है। मैं एंड करूंगी ब्लॉग। अब मेरे को तो पूरे ब्लॉग में इतने लिया नहीं ढंग से तो गाइस मैं एंड करूंगी। हमारा बैकअप होने वाला ऑलमोस्ट हमारा शूट। गाइस ये लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे आप लोग बताने के लिए।